दिस इज सेकेंड क्लास ऑन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता. इन आवर प्रीवियस वीडियो लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड द कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट एज पर ओल्ड सीआरपीसी एंड वी ऑल्सो डिस्कस्ड द प्रोविजंस ऑफ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट एज पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता. और एट द एंड हमने कुछ लीडिंग केस लॉज भी देखा. तो एफआईआर के ऊपर हमने एक कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझा है. इस वीडियो में हम अपने नेक्स्ट सेक्शन के बारे में बात करेंगे, विच इज इक्वली इंपॉर्टेंट. हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के चैप्टर 13 से डील कर रहे हैं, जो कि बेसिकली बात करता है इंफॉर्मेशन टू पुलिस एंड देयर पावर्स टू इन्वेस्टिगेट. और इसमें जो सेक्शंस हैं वो स्टार्ट होते हैं राइट फ्रॉम सेक्शन 173 टू सेक्शन 196. और हमने ये भी जाना कि ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है, विच इज चैप्टर 13 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये चैप्टर सीआरपीसी का चैप्टर 12 हुआ करता था, जिसमें जो सेक्शंस थे वो स्टार्ट होते थे फ्रॉम सेक्शन 154 टू सेक्शन 176. तो जहां पहले एफआईआर रजिस्टर्ड किया जाता था अंडर सेक्शन 154 ऑफ सीआरपीसी किया जाता था, बट नाउ एफआईआर गेट्स रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 173 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता. तो जहां पहले सीआरपीसी एफआईआर के डेफिनेशन को लेकर के साइलेंट था, एफआईआर को कहीं भी सीआरपीसी में डिफाइन नहीं किया गया था, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता भी एफआईआर को कहीं डिफाइन नहीं करती है. केवल जो प्रोसीजर है रिगार्डिंग लॉजिंग ऑफ एफआईआर, जहां पहले सेक्शन 154 ऑफ सीआरपीसी में एफआईआर के प्रोविजंस दिए गए थे, अब उन प्रोविजंस को उठा करके सेक्शन 173 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कर दिया गया है. कुछ नए प्रोविजंस को भी ऐड किए गए हैं, जिसे हमने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में डिटेल में समझा है. अगर आप इस वीडियो में नए हो और एफआईआर के कंप्लीट कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हो, तो आप मेरे उस वीडियो को रेफर कर सकते हो. इस वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के बारे में, विच इज ऑल अबाउट इंफॉर्मेशन एज टू नॉन कॉग्निजेबल केस एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ सच केसेस. चैप्टर 12 ऑफ सीआरपीसी सेक्शन 154 टू सेक्शन 176. एंड दिस इज चैप्टर 13 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता स्टार्टिंग फ्रॉम सेक्शन 173 टू सेक्शन 196. और इस चैप्टर का नाम क्या है? इंफॉर्मेशन टू पुलिस एंड देयर पावर्स टू इन्वेस्टिगेट. तो सेक्शन 154 ऑफ सीआरपीसी में क्या था? इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस, यानी संज्ञेय मामलों में पुलिस को इत्तला. ये सेक्शन अब हमारे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का सेक्शन 173 हो गया है, राइट? इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस. सेक्शन
सेक्शन 155 ऑफ सीआरपीसी वाज टॉकिंग अबाउट इंफॉर्मेशन इन नॉन कॉग्निजेबल केसेस, और संज्ञेय अपराधों के बारे में पुलिस को जानकारी देना, और फिर उन मामलों में पुलिस किस तरह से इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है, इसके बारे में जो प्रोविजन था वो था सीआरपीसी के सेक्शन 155 में। तो अब आप ऐसे याद रखोगे कि नाउ इट इज सेक्शन 174 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, एंड नाउ दिस पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता इज टॉकिंग अबाउट इंफॉर्मेशन एज टू नॉन कॉग्निजेबल केसेस एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ सच केस। ठीक है, तो मैं कंपेयर करते हुए चल रहा हूं ताकि आपके मन में थोड़ा भी डाउट ना रहे। राइट, तो हमने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में ये समझा कि अगर आप किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में पुलिस को किसी प्रकार का इंफॉर्मेशन देते हो तो पुलिस ऑफिसर के पास ये पावर है कि वो तुरंत इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकती है, और पर्सन जिसके ऊपर कॉग्निजेबल ऑफेंस के कमीशन का एलिगेशंस लगाया जा रहा है, यानी हु इज ऑफेंडर, हु इज एक्यूज्ड, उसे बिना वारंट के पुलिस ऑफिसर गिरफ्तार कर सकती है। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के रिगार्ड में अगर आप कोई भी सूचना दे रहे हो तो उसे जिस पर्टिकुलर फॉर्मेट में पुलिस ऑफिसर रजिस्टर्ड करती है उसे हम कहते हैं FIR। सो व्हाट इज FIR? इट इज ऑल अबाउट प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन बिफोर द पुलिस ऑफिसर रिगार्डिंग कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंसेस एंड रजिस्टरिंग इट इन इट्स book which is prescribed by state government, this whole procedure is called as FIR. यही क्या कहलाता है? FIR कहलाता है। अब हम बात करेंगे कि क्या होगा जब आप किसी असंज्ञेय अपराध के कारित होने के बारे में पुलिस ऑफिसर को कोई सूचना देते हो तो उसमें पुलिस किस तरह से इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है, क्या प्रोसीजर पुलिस ऑफिसर अपनाती है रिगार्डिंग इन्वेस्टिगेशन। राइट, तो आइए पहले हम सीआरपीसी के प्रोविजंस को देख लेते हैं विच वॉज गिवन अंडर सेक्शन 155 ऑफ सीआरपीसी। राइट, क्या कहता है? व्हेन इंफॉर्मेशन इज गिवन रिगार्डिंग कमीशन ऑफ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, जब किसी असंज्ञेय अपराध के घटित होने के बारे में किसी प्रकार का कोई सूचना दिया जाता है ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के द्वारा, विद इन लिमिट्स ऑफ सच पुलिस स्टेशन, जिस पुलिस स्टेशन के क्षेत्र के अंदर वो पर्टिकुलर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस घटित हुआ है, दैट ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन शैल एंटर द सबस्टांस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो वो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन जिसे सूचना मिल रहा है रिगार्डिंग कमीशन ऑफ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, क्योंकि वो जो पर्टिकुलर ऑफेंस है वो उसके पुलिस स्टेशन के एरिया के अंडर घटित हुआ है, तो वो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन बाउंड है कि वो उसे क्या करे, रिकॉर्ड कर ले, दर्ज कर ले, लिख ले इन अ बुक, उस बुक में जिसे स्टेट गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किया है, उस बुक में दैट ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन इज बाउंड टू रिकॉर्ड सबस्टांस ऑफ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। उसके बाद क्या कहता है? एंड रेफर द इन्फॉर्मेंट बिफोर मजिस्ट्रेट। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस when police receives information about commission of cognizable offense, police by its own start investigation, khud se investigation shuru kar deti hai police, aur bina warrant ke bhi aapko giraftar kar sakti hai, lekin jab kabhi bhi aap
किसी प्रकार के असंज्ञेय अपराध के कारित होने के बारे में कोई सूचना ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को देते हो जिसके क्षेत्र के अंदर वो असंज्ञेय अपराध घटित हुआ है, तो वो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन क्या करेगा, उसे उस पर्टिकुलर बुक में रजिस्टर कर लेगा जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड है, यानी आपके रिपोर्ट को वो दर्ज कर लेगा। लेकिन उसके बाद वो पुलिस ऑफिसर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं करेगा, तो क्या करेगा, वो आपको रेफर करेगा कि आप मजिस्ट्रेट के पास जाओ, जिस मजिस्ट्रेट के ज्यूरिसडिक्शन के अंदर वो पुलिस स्टेशन आता है, और कहेगा कि आप उस मजिस्ट्रेट से आदेश करा लाओ। अगर मजिस्ट्रेट ऑर्डर कर देगा तो स्टार्ट इन्वेस्टिगेशन, तभी हम इन्वेस्टिगेशन शुरू करेंगे, नहीं तो हम नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई पावर नहीं है कि हम नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की सूचना मिलने के बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दें, राइट? तो पुलिस ऑफिसर हैज नो पावर टू स्टार्ट इन्वेस्टिगेशन आफ्टर रिसीविंग इंफॉर्मेशन एज टू कमीशन ऑफ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, राइट? दूसरा कहता है, नो पुलिस ऑफिसर शैल इन्वेस्टिगेट अ नॉन कॉग्निजेबल केस विदाउट ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट हैविंग पावर टू ट्राई सच केस और कमिट द केस फॉर ट्रायल। तो कोई भी पुलिस ऑफिसर असंज्ञेय अपराध के घटित होने को लेकर के किसी प्रकार का सूचना प्राप्त करने के बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं कर सकता है जब तक मजिस्ट्रेट से उसे ऑर्डर ना मिल जाए। किस मजिस्ट्रेट से? उस मजिस्ट्रेट से जिसके पास पावर है कि वो उस नॉन कॉग्निजेबल केस का ट्रायल शुरू कर सकता है या उसे कमिट कर सकता है दूसरे मजिस्ट्रेट को टू गो फॉर ट्रायल। यानी सिंपल, जिस मजिस्ट्रेट के जुरिस्डिक्शन के अंदर वो पर्टिकुलर ऑफेंस हुआ है, उस मजिस्ट्रेट से अगर जो इन्फॉर्मेंट है जिसने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में पुलिस को सूचना दिया है, अब पुलिस ने उसे रेफर कर दिया है कि आप मजिस्ट्रेट के पास जाओ, तो अगर वो मजिस्ट्रेट के पास गया और मजिस्ट्रेट ने इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे दिया, तभी पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकता है, वरना नहीं कर सकता है। आगे कहता है, एनी पुलिस ऑफिसर रिसीविंग सच एन सच ऑर्डर may exercise the same powers in respect of investigation except the powers to arrest without warrant as an officer in charge of police station may exercise in a cognizable case। तो जैसे ही किसी पुलिस अधिकारी को वो आदेश प्राप्त होगा मजिस्ट्रेट से कि हाँ आप इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकते हो, तो उसके पास वो सभी पावर्स आ जाती हैं जो कि ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के पास होती है जब वो किसी कॉग्निजेबल केस में इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। लेकिन क्योंकि जो केस है वो नॉन कॉग्निजेबल केस है, तो वो जो पुलिस ऑफिसर है वो बिना वारंट के किसी पर्सन को गिरफ्तार नहीं कर सकता है नॉन कॉग्निजेबल केसेस में, राइट? तो आफ्टर रिसीविंग ऑर्डर फ्रॉम मजिस्ट्रेट रिगार्डिंग स्टार्टिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन, पुलिस ऑफिसर एक्वायर्स ऑल द पावर्स ऑफ ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन व्हिच मे बी एक्सरसाइज व्हाइल इन्वेस्टिगेटिंग एनी कॉग्निजेबल केस। लेकिन क्योंकि कॉग्निजेबल केसेस में बिना वारंट के आप गिरफ्तार कर सकते हो, ये भी आपके पास पावर है, लेकिन नॉन कॉग्निजेबल केस में भले ही आपने मजिस्ट्रेट से इन्वेस्टिगेशन शुरू करने का आदेश प्राप्त कर लिया है, फिर भी आप बिना वारंट के किसी पर्सन को गिरफ्तार नहीं कर सकते, राइट? आगे बढ़ते, तो यानी अब ये हमें समझ में आ गया कि अगर कोई ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन है और वो किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस में इन्वेस्टिगेशन शुरू कर रहा है या उसने शुरू कर दिया है,
तो उसके पास जो भी पावर्स हैं वो सेम पावर्स इस पुलिस ऑफिसर के पास भी आ जाएगा। लेकिन क्योंकि जो मामला है वो असंज्ञेय अपराध का है तो सभी पावर्स तो आ गया लेकिन गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है जब तक मजिस्ट्रेट से आदेश नहीं आ जाता रिगार्डिंग अरेस्ट और जब तक वारंट मजिस्ट्रेट से नहीं ले लिया जाता रिगार्डिंग अरेस्ट तब। राइट, वेयर अ केस रिलेट्स टू टू और मोर ऑफेंसेस ऑफ विच एटलीस्ट वन इज कॉग्निजेबल द केस शुड बी डीम्ड टू बी अ कॉग्निजेबल केस नॉट विथ स्टैंडिंग दैट अदर ऑफेंसेस आर नॉन कॉग्निजेबल। तो कह रहा है हो सकता है कि एक से अधिक ऑफेंसेस हो, देर में भी सीरीज ऑफ ऑफेंसेस जिसके बारे में उस इंफॉर्मेंट ने पुलिस को सूचना दिया है, और यह भी हो सकता है कि उनमें से कोई एक कॉग्निजेबल ऑफेंस भी हो और बाकी सब क्या हो, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हो। तो फॉर एग्जांपल 5 ऑफेंसेस थे जिनमें से एक जो था वो कॉग्निजेबल ऑफेंस था, तो सभी ऑफेंसेस को कॉग्निजेबल ऑफेंस मान लिया जाएगा, उस पूरे केस को कॉग्निजेबल केस की तरह ट्रीट किया जाएगा, भले ही उसमें से एक कॉग्निजेबल ऑफेंस था और बाकी के 4 क्या थे, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस थे। जैसे ही इस पर्टिकुलर केस को कॉग्निजेबल केस की तरह ट्रीट किया जाएगा तो फिर उस पुलिस ऑफिसर के पास वो सभी पावर्स आ जाएंगी जिन्हें वो एक्सरसाइज करता है जब वो कॉग्निजेबल केस में इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। और फिर यहां पर भी क्या होगा, उस पुलिस ऑफिसर के पास ये पावर आ जाएगा कि वो बिना वारंट के अक्यूज्ड पर्सन को गिरफ्तार कर सकता है। राइट, तो यहां आप ये समझिए कि जो इन्फॉर्मेंट है उसने पुलिस ऑफिसर को सूचना दिया 10 ऑफेंसेस के बारे में कि एक साथ जो है कई अपराध कारित हुए हैं, उनमें से एक संज्ञेय अपराध है, बाकी सभी अपराध क्या है, असंज्ञेय अपराध है। तो फिर पूरे के पूरे केस को कॉग्निजेबल केस मान लिया जाएगा और पुलिस ऑफिसर के पास वो सभी पावर्स आ जाएंगी जिन्हें वो एक्सरसाइज करता है व्हाइल इन्वेस्टिगेटिंग एनी कॉग्निजेबल केस, यानी फिर उस मामले में बिना वारंट के गिरफ्तारी की जाएगी। लेकिन जो कंडीशन है वो ये है कि सभी ऑफेंसेस क्या होने चाहिए, एक दूसरे से कनेक्टेड होने चाहिए। राइट, तो ये था नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में सूचना और फिर पुलिस ऑफिसर का पावर रिगार्डिंग इन्वेस्टिगेशन इन सच केसेस एज पर द प्रोविजंस व्हिच वर गिवन अंडर सेक्शन 155 ऑफ सीआरपीसी। अब हम देखेंगे कि हमारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता क्या और किस तरह से इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात करता है, किस तरह से और क्या प्रोविजंस हैं रिगार्डिंग इन्वेस्टिगेशन इन नॉन कॉग्निजेबल केसेस। राइट, सो वी हैव डिस्कस्ड दैट इन केस अ पुलिस ऑफिसर रिसीव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द कमीशन ऑफ एनी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस देन पुलिस ऑफिसर हैज नो अथॉरिटी has no power to start investigation by its own. That police officer must be ordered by the concerned magistrate to start investigation. Then only that police officer may start investigation. So after receiving information about commission of any non-cognizable offense, the officer in charge of police station first referred that informant before magistrate. Right. So apne ab tak ke discussion mein हमने ये समझा कि अगर पुलिस ऑफिसर को किसी असंज्ञेय अपराध के घटित होने के बारे में किसी प्रकार का कोई सूचना मिलता है तो पुलिस ऑफिसर खुद से इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं कर सकता है, हालांकि आफ्टर रिसीविंग इंफॉर्मेशन अबाउट द कमीशन ऑफ एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस पुलिस हैव द पावर टू स्टार्ट इन्वेस्टिगेशन सून। आफ्टर रिसीविंग इंफॉर्मेशन अबाउट कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस, लेकिन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के केस में पुलिस के पास कोई पावर नहीं होता है। लेकिन क्या होगा अगर पुलिस खुद से इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दे,
एक तरफ जहां पुलिस को कोई पावर नहीं है इन्वेस्टिगेशन शुरू करने का, लेकिन इन केस मान लो पुलिस ऑफिसर स्टार्टेड इन्वेस्टिगेशन, तो उस केस में अक्यूज्ड पर्सन के पास क्या राइट्स अवेलेबल हैं उसे हम समझेंगे, राइट? तो अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है तो ये बेसिकली एक इररेगुलरिटी ऑफ लॉ कहलाएगा, और अक्यूज्ड पर्सन अगर अपने लीगल राइट्स को लेकर के विजिलेंट है, अवेयर है, तो वो इस इन्वेस्टिगेशन को चैलेंज कर सकता है, इस इन्वेस्टिगेशन को क्वेश करा सकता है बिफोर द हाई कोर्ट, राइट? तो यहां पर हम इस इररेगुलरिटी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, पहला क्योरेबल इररेगुलरिटी और दूसरा इनक्योरेबल इररेगुलरिटी, राइट? सबसे पहले हम समझेंगे क्योरेबल इररेगुलरिटी को। पुलिस ऑफिसर आफ्टर रिसीविंग इंफॉर्मेशन अबाउट कमीशन ऑफ एनी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, राइट, स्टार्टेड इन्वेस्टिगेशन बाय इट्स ओन, इन्वेस्टिगेशन गेट्स ओवर, और उसके बाद पुलिस क्या करेगी, अपना फाइनल रिपोर्ट सबमिट करेगी अंडर सेक्शन 193 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। नाउ इफ accused is vigilant about his rights and during the period of investigation process, police agar investigation conduct kar rahi hai to usi dauran agar accused apne legal rights ko lekar ke aware hai aur police dwara final report submit karne se pehle accused person under section 482 of CRPC जिसमें बेसिकली इनहेरेंट पावर ऑफ हाई कोर्ट्स के बारे में बात किया गया था, तो अब ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का कौन सा सेक्शन हो गया है ये आपको बताना है। तो 482 के तहत वो एक्यूज्ड पर्सन फाइनल रिपोर्ट सबमिट होने से पहले बिफोर द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के समक्ष एक एप्लीकेशन मूव कर सकता है इस इन्वेस्टिगेशन को क्वेश कराने के लिए। लेकिन अगर वो accused person अपने rights को लेकर के vigilant नहीं है, he is not aware, slipping over his rights, और police report submit हो चुका है, investigation complete हो चुका है, और suppose करो कि magistrate ने cognizance ले लिया है उस complaint का, दो magistrate will see whether he has ordered for investigation or not, मजिस्ट्रेट में इटसेल्फ कोश दी इन्वेस्टिगेशन, हालांकि मजिस्ट्रेट सबसे पहले ये देखेगा कि क्या उसने इन्वेस्टिगेशन का आदेश किया था पहले या नहीं, तो बहुत हद तक ये मजिस्ट्रेट के डिस्क्रिशन पर डिपेंड करता है कि मजिस्ट्रेट खुद से उस इन्वेस्टिगेशन को क्वेश कर सकता है। लेकिन सपोज करो कि मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस ले लिया, संज्ञान ले लिया और ट्रायल शुरू हो गया, और तब आप एप्लीकेशन फाइल कर रहे हो इस इन्वेस्टिगेशन को या इस ट्रायल को बंद करने के लिए, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन वाज इन इटसेल्फ इररेगुलर, लेकिन क्योंकि जिस समय आपको एप्लीकेशन मूव करना चाहिए उस समय आपने मूव नहीं किया था और अब ट्रायल शुरू हो गया है, तो ये बेसिकली इनक्योरेबल इररेगुलरिटी कहलाएगा और फिर आप इसमें कुछ नहीं कर सकते, राइट? तो इन्वेस्टिगेशन को आप क्वेश तब तक करा सकते हो जब तक पुलिस फाइनल रिपोर्ट सबमिट नहीं कर देती है, उसके पहले आप करा सकते हो, लेकिन अगर पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट सबमिट कर दिया है और इन केस मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस ले लिया, ट्रायल शुरू हो गया, फिर आप कुछ नहीं कर सकते, दैट विल बी कंसीडर्ड एज इनक्योरेबल इररेगुलरिटी, राइट? तो अब हम समझते हैं कि सेक्शन 174 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता क्या कहता है। सीआरपीसी का सेक्शन 155
बात करता था इन्फॉर्मेशन इन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ सच केसेस. नाउ इट इज अंडर सेक्शन 174 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता. सेक्शन 173 में हमने समझा इन्फॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस, राइट. तो सेम उसी तरह से जो प्रोविजंस नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के केसेस में इन्वेस्टिगेशन किस तरह से शुरू किया जाएगा, जो भी प्रोविजंस हमारे सीआरपीसी में दिए थे वही सारे सेम प्रोविजंस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में भी है. जो चेंज है वो केवल सेक्शन नंबर का है, राइट. आइए समझते हैं. When information is given to an officer in charge of police station, जब थाने के भार साधक अधिकारी को किसी असंज्ञेय अपराध के बारे में कोई सूचना प्राप्त होता है, within the limits of such station of a non-cognizable offence, जिस थाने के क्षेत्र में वो असंज्ञेय अपराध घटित हुआ है, he shall enter or cause to be entered the substance of information in a book to be kept by such officer in such form as state government may by rules prescribe in this behalf. तो जो भी register state government ने prescribe किया है, जिसे हम कहते हैं non-cognizable register, उसमें वो note करेगा और उसके बाद informant को magistrate के सामने refer कर देगा. उसे कहेगा कि आप जाओ magistrate से order करा के लाओ, तभी हम इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई पावर नहीं है. अ न्यू लाइन विच इज एडेड इन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विच वॉज नॉट गिवन इन सीआरपीसी, और वो लाइन है फॉरवर्ड डेली डायरी रिपोर्ट ऑफ ऑल सच केसेस फोर्ट नाइटली टू मजिस्ट्रेट. जिस फॉरवर्ड डेली डायरी रिपोर्ट ऑफ ऑल सच केसेस, जिस डेली डायरी में नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के बारे में इंफॉर्मेशन वो पुलिस ऑफिसर रिकॉर्ड करता है, उसे हर दो हफ्ते में एक बार मजिस्ट्रेट के सामने क्या करेगा, फॉरवर्ड करेगा. दूसरा, no police officer shall investigate a non-cognizable case without order of magistrate having power to try such case or commit the case for trial. बिना उस magistrate के order के जिसके पास power है उन offences का trial शुरू करने का, बिना उसके order के कोई police officer non-cognizable cases में खुद से investigation शुरू नहीं कर सकता. तीसरा, any police officer receiving such order may exercise same powers in respect of investigation except the power to arrest without warrant as an officer in charge of police station may exercise in cognizable cases. जिस तरह से cognizable cases में officer in charge of police station के पास power होता है, जिसे वो exercise करता है while investigating the cognizable cases, वो सभी पावर्स उस पुलिस ऑफिसर के पास आ जाएंगे, लेकिन बिना वारंट के वो किसी पर्सन को गिरफ्तार नहीं कर सकता. लास्ट प्रोविजन क्या कहता है, व्हेन अ केस रिलेट्स टू टू और मोर ऑफेंसेस, जहां मामला दो या दो से अधिक अपराधों का है, जिसमें कोई एक अपराध संज्ञेय अपराध है, तो पूरे केस का जो ट्रायल चलेगा वो cognizable केस की तरह चलेगा, और फिर पुलिस ऑफिसर के पास, जिस तरह से cognizable केसेस में पुलिस के पास सभी पावर्स होते हैं रिगार्डिंग इन्वेस्टिगेशन, वो सभी पावर्स पुलिस ऑफिसर के पास आ जाएंगे, और पुलिस के पास पावर होगा टू अरेस्ट विदाउट वारंट ऑल्सो, क्योंकि अब जो केस है वो पूरी तरह से उसका नेचर बदल गया है, क्योंकि अब जो केस है वो cognizable केस है. तो भले ही पांच ऑफेंसेस हैं, पांचों में से चार ऑफेंसेस नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के थे, जिसमें से एक जो था कॉग्निजेबल ऑफेंस था, तो इन पांचों ऑफेंसेस को कॉग्निजेबल ऑफेंस मानते हुए इनका ट्रायल कॉग्निजेबल केस की तरह चलेगा.
राइट। तो दिस वॉज द कंप्लीट लेक्चर ऑन सेक्शन 174 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। इन दिस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन अबाउट कमीशन ऑफ एनी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड व्हाट इज द इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर विच इज टू बी अडॉप्टेड बाई ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन रिगार्डिंग इन्वेस्टिगेशन ऑफ एनी नॉन कॉग्निजेबल केस। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज अपना सपोर्ट शो करिए, वीडियोस को लाइक करिए, इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए,